आज आप सभी ने देखा होगा कि भारत की राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल जो चिर कुपित भी हैं और चिर भ्रमित भी हैं, जो सदैव क्रोध में रहते हैं और सदैव भ्रम में रहते हैं अ लीडर हु इज परपीचुअली इन टेंशन एंड परपीचुअली इन कंफ्यूजन हैज गिवन एन इंटरव्यू ए कंफ्यूज फिल्म स्टार कंफ्यूज्ड इसलिए कि ये उसी ख्याति के फिल्म स्टार हैं श्री कमल हसन जी जिन्होंने राहुल गांधी जी का इंटरव्यू लिया जिन्हें बृहदेश्वर में भगवान शिव का मंदिर बनाने वाले गंगई कुंड की उपाधि रखने वाले और गंगई कोंड पुरम में गंगा जल लाने वाले चोर राजा हिंदू नजर नहीं आते थे तो मानी बात है ऐसे लोगों के साथ इंटरव्यू देंगे और कंफ्यूज नेता होंगे तो वो कंफ्यूजन ही उनका बढ़ेगा परंतु आज विषय सिर्फ कंफ्यूजन का नहीं है मैं तो मुझे तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी जी अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में भ्रमण करते करते भारत का भ्रम के और शिकार हो गए और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्वाभाविक भी है कि वो जिस प्रकार से केरल में बीफ पार्टी वालों के साथ तो तमिलनाडु में भारत माता को अपवित्र मानने वालों के साथ तो महाराष्ट्र में सावरकर जी के विरुद्ध तो गुजरात के विरुद्ध जो लोग रहे थे ऐसी गांधी विदगन कहने वालों के साथ रहेंगे तो मान्य बात है भ्रम तो बढ़ेगा ही तो मुझे तो ऐसा लगता है वो भारी विभ्रम के शिकार हो गए हैं तो उन्हें अवास्तविक ज्ञान की जरूरत है जो कबीरदास ने कहा ना माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम पड़ंत और कहे कबीर गुरु ज्ञानते एकाधो ग्रंथ तो लगातार भ्रम में पढ़ रहे हैं।